दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा खून की कमी में क्या आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए के बारे में। इन चीज़ों को अवश्य खाइए, खून की कमी दूर होगी। दोस्तों, गरीबी और असंतुलित आहार खाने के कारण हमारे देश में 60 से 70% लोग खून की कमी के शिकार हैं। दोस्तों, इसमें स्त्रियां कुछ ज़्यादा ही हैं, जिस कारण वह छोटी उम्र से ही रोगग्रस्त हो जाती है और इसका प्रभाव जिंदगी भर बना रहता है। जब वह माँ बनती है उस समय भी उसके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है, होता है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं जिस प्रकार से आप बिल्कुल साधारण सस्ती चीज़ों को अपने घर पर ही जो आसानी से उपलब्ध रहती है उसको अपनाकर खून की कमी से बचाव कर सकते हैं। इन चीज़ों को खाकर आप खून की कमी से होने से बच सकते हैं। वो चीज़ें निम्न है। नंबर 1, गुड़ और मूंगफली। दोस्तों, गुड़ और मूंगफली खाने से आपके शरीर में खून की कमी दूर होगी और इसका सेवन आप नियमित भी कर सकते हैं। नंबर 2, अंकुरित आहार। दोस्तों, अंकुरित आहार लेने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन HbA की कमी दूर होगी, इसे आप रोज़ सुबह ले सकते हैं। नंबर 3, अनार। दोस्तों, अनार में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, अनार को वैसा भी ले सकते हैं और 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अनार का पाउडर डालकर पीने से भी खून की कमी दूर होती है। नंबर 4, चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर के नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। आप इसे सलाद में या इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। नंबर 5, ओट्स। दोस्तों, ओट्स हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके सेवन से आप आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। नंबर 6, ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, अपनी डाइट में फलों को शामिल जरूर करिए, इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स का भी नियमित सेवन करिए। नंबर 7, बादाम। दोस्तों, आप अपनी सुबह की शुरुआत बादाम के साथ भी कर सकते हैं। इसे रात भर भिगोकर सुबह दूध के साथ लेना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 8, विटामिन सी। दोस्तों, अपनी डाइट में विटामिन सी को अवश्य शामिल करिए, इसके लिए आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और सुबह के समय नींबू का पानी पीना शुरू कर सकते हैं। साथ ही सलाद के रूप में नींबू का रस डालकर भी इसे खाना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।